दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं सैमसंग J260G J2 Core, ठीक है। और इस मोबाइल को हम दिखा रहे हैं आपको एक नई ट्रिक के माध्यम से कि इसका जो है आप FRP बिना किसी बॉक्स के किस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी ट्रिक से जो है आप सैमसंग J8 J4 J6 इन सभी का भी FRP आप रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मोबाइल में मैंने वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया और इसमें जो है नेक्स्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और जैसे मैंने इस मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट किया तो इसमें अभी यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मोबाइल के अंदर में मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट करने का ऑप्शन था और वाईफाई को मैंने डिस्कनेक्ट किया और नेक्स्ट करने का ऑप्शन नहीं। इसका मतलब यह है कि इस मोबाइल में जो है FRP है, ठीक है। तो इसका FRP आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, इस ट्रिक से जो है आप सैमसंग 2019 का जो भी एंड्रॉइड वर्जन 8 है 9 है सबको जो है आप रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये तरीका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल 100% टेस्टेड है, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये FRP हेल्पर फाइल है, ठीक है। तो इस फाइल को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, चलिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। उसके बाद इस सेटअप को हम ओपन करेंगे और इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से आपको मोबाइल में जो है कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो ये टूल ओपन हो चुका है और आपको किसी भी सैमसंग को अगर आपको रिमूव करना है FRP, ठीक है, तो सबसे पहले मोबाइल को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे स्कैन करना है पोर्ट और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है नीचे में टाइप करना है डायल पर, ठीक है, 990, ठीक है, 990 आपको टाइप कर देना है, कॉल पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में किस तरह से किया जाता है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल को ऑन करके मैंने डाटा केबल लगा दिया, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इस टूल में जो है कंप्यूटर में मैंने टूल को ओपन किया है, इस टूल में हमको जो है 990 टाइप करना है, कॉल पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल पर जो है कॉलिंग शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मोबाइल में जो कॉलिंग शुरू हो चुका है, ठीक है। 990 यहाँ मैंने टाइप किया था, वो 990 पे यहाँ पे जो कॉल हो रहा है। तो अब करना क्या है, आपको ये कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर में आपको जो है शेयर पे क्लिक कर देना है। डाटा केबल आप निकाल सकते हैं, आप डाटा केबल की कोई जरूरत नहीं है, कंप्यूटर से कनेक्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप उसका गूगल आ जाएगा, गूगल में आपको टाइप करना है सिंपल www.vnroom.net, ठीक है, ये आपको टाइप करना है। तो इस तरीके से किसी भी सैमसंग को जो है आप आसानी से जो है उसका FRP रिमूव कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देख लें अच्छी तरह से और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइप किया है vnroom.net, www.vnroom.net, ठीक है। तो इस लिंक पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपका मोबाइल का जो वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन 8 है 6 है 7 है जो भी है, जो आपका वर्जन है उसी वर्जन के हिसाब से पहले आप जो है एंड्रॉइड JM फाइल जो है आप डाउनलोड करें, ठीक है। तो जैसे आपका एंड्रॉइड वर्जन 9 है या 8 है, तो मेरा 8 है तो मैंने यहाँ 8.9 पे क्लिक कर दिया, ये फाइल सबसे पहले डाउनलोड होगा, ठीक है, इस मोबाइल में। और सबसे पहले मुझे इस मोबाइल में जो है उस फाइल को, एंड्रॉइड वाले फाइल को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइल को देखने के लिए, फाइल डाउनलोड कहाँ जा रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल डाउनलोड हो चुका है, इस पर क्लिक करना है आपको और आपको इस सॉफ्टवेयर को आपको इसे मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो आपके मोबाइल का जो भी वर्जन होगा उस हिसाब से आप डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइम में आपको यही जो है इंस्टॉल करना होगा, ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम जो बैग आएंगे, ठीक है, वापस हमें बैग जाना है उसी जगह। तो दोस्तों बैक आने के बाद आपको फिर से वापस वही www.vnroom.net वाले लिंक पे क्लिक करना है, फिर से आपको दूसरा वाला फाइल डाउनलोड करना है, ठीक है। अभी हमारा जो एंड्रॉइड वाला फाइल डाउनलोड हो चुका था एंड्रॉइड के हिसाब से, जो हमारा मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन था, अब हमें दूसरा वाला FRP बाईपास फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और इस फाइल को आपको डाउनलोड होने के लिए देना है। और जब ये फाइल डाउनलोड होगा इसे आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल जो डाउनलोड हो चुका है और इसे भी हमें इंस्टॉल कर देना है। जैसे ये फाइल इंस्टॉल होगा इस पर हमें डायरेक्ट ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन करना है। इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके ओपन किए, उसके बाद ऊपर में आप देख रहे हैं 3 डॉट पे क्लिक करना है, ब्राउजर साइन इन पे क्लिक करना है, ओके मार देना है, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी ईमेल आईडी डालोगे आप मोबाइल जो आसानी से बाईपास हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वीडियो में कि मोबाइल के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, टॉल बैक काम नहीं कर रहा है, सिम के माध्यम से अंदर जा रहे हैं मोबाइल में, सिम काम नहीं कर रहा है। और ये जो तरीका, ये जो टेक्निक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल 100% टेस्टेड है। इस तरीके से आप सैमसंग मोबाइल को जो है आसानी से जो है उसका FRP रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पूरी तरह से देख लें आप, ठीक है। इस मोबाइल को मैं जो बाईपास कर रहा हूँ यहाँ पे,
दूसरा ईमेल आईडी डाल करके आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, अब मैं पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस मोबाइल को बाईपास करके, ठीक है। तो ये सारा चीज़ करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है सिंपली, ठीक है। आप उसके बाद जो है आप इस मोबाइल को बैक करना है, आपको बैक जाए, आप बैक आ चुका है, ठीक है। अगर बैग ना जाए पूरी तरह से तो आप मोबाइल को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आप मोबाइल को रिस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद जब मोबाइल वापस ऑन होगा उसके बाद आप सेटअप करेंगे मोबाइल का, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई FRP नहीं मांगेगा, ठीक है। तो इस मोबाइल को मैंने जो है रिस्टार्ट कर दिया, अभी वापस मोबाइल ऑन हो रहा है, इसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इस मोबाइल का जो हम सेटअप कर रहे हैं और इसमें कोई भी आप FRP नहीं मांगेंगे, ठीक है। दोस्तों ये जो ट्रिक मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल ये इस ट्रिक से आप कोई भी सैमसंग का मोबाइल का जो है आसानी से आप जो है उसका FRP रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।